हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून. दिस वीडियो लेक्चर इज़ फॉर द यूनियो. यूनियो में हम लोग इसके बहुत सारे सिस्टम, सभी तरह के सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम हैबिट, हैबिटाट ऑफ यूनियो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियो, देन सीलोम, लोकोमोशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स ऑफ यूनियो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ यूनियो, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ यूनियो एंड मेटामॉर्फोसिस. इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एक वीडियो लेक्चर सीरीज इसकी प्रिपेयर्ड है, जिसमें सबसे पहले हम इसके हैबिट, हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा सीलोम एंड लोकोमोशन को स्टडी करेंगे. यूनियो जो है ये आपके मोलस्का फाइलम को बिलोंग करते हैं. मोलस्का फाइलम में जो क्लास बाइवेल्व्स होती है या लैमेलिडी बाइवेल्व्स होती हैं, उनको बिलोंग करते हैं. यानी इसमें दो शेल जो होता है वो दो वाल्व्स में डिवाइडेड रहता है. यूनियो इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पोंड, लेक, स्ट्रीम एंड रिवर्स. द एनिमल इज सिडेंटरी बट प्लफ स्लोली थ्रू द मड एंड सैंड बाई इट्स वेज शेप मस्कुलर फुट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और रिवर. इट डज नॉट गो डीप इन द बरो बिकॉज द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द वाल्व रिमेन एक्सपोज टू द इनग्रेस एंड इग्रेस ऑफ द रेस्पिरेटरी वाटर करेंट. तो यूनियो जो है ये आपके फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा. फ्रेश वाटर बॉडीज जो होती हैं, लेक, स्ट्रीम, उसमें प्रेजेंट होता है. सिडेंट्री एनिमल होता है, वेज शेप होता है, इसमें फुट प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो शेप एंड साइज, द बॉडी ऑफ लैमेलिडिन्स, लैमेलिडिन्स मीन्स ये लैमेलिब्रेंक्स को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इन्हें लैमेलिडेंस भी कहते हैं, इज लेटरली फ्लैटेंड. एंटीरियर साइड जो होता है बॉडी की रफली ओवल होता है इन रूटीन, एंड द पोस्टीरियर एंड इज हाईली नैरो. इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें क्लियर होंगी ये चीज़ें. शेल बॉडी जो होती है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है, लेकिन पूरी बॉडी जो होती है वो कैलकेरियस शेल से कवर्ड रहती है. और शेल जो होता है इसमें मेंटल जो इसका बॉडी वॉल होती है, मेंटल कैविटी या मेंटल, उसके थ्रू सिक्रेट होता है. तो शेल जो होता है वो दो सिमेट्रिकल इक्वल हाफ्स में से कवर्ड रहता है, नोन एज राइट एंड लेफ्ट वाल्व. द टू वाल्व आर यूनाइटेड बाय अ डॉर्सल इलास्टिक बैंड कॉल्ड अ हिंज लिगामेंट विच इज कंटिन्यूस विद द टू शेल वाल्व बट इज मेड ऑफ अनकैल्सिफाइड कॉन्कोलिन. लेकिन ये कैसा बना होता है? अनकैल्सिफाइड कॉन्कोलिन का बना हुआ होता है, हिंज लिगामेंट के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है. इट इज इलास्टिक एंड कॉजेज द वाल्व ऑफ शेल टू ओपन. नियर द हिंज लिगामेंट आर टीथ एंड सॉकेट विच फिट इन टू ईच अदर टू फॉर्म एन एफिशियंट इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट. तो दोनों जो शेल जो होते हैं ये लॉक्ड रहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू. यहाँ पे हम इसके डायग्राम को देख सकते हैं, जिसमें कि शेल को दिखाया है. शेल्स में लाइंस ऑफ ग्रोथ होती हैं, इसके अलावा हिंज लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं. हिंज लिगामेंट दो वॉल्व्स के बीच का लिगामेंट होता है. लाइंस ऑफ ग्रोथ जो होती हैं ये शेल्स पे, इनकी एज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. और जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है, जैसे हम कहते हैं अम्बो, और ये इंटीरियरली मार्किंग जो है इसमें प्रेजेंट रहती है. तो इस अम्बो की वजह से हम इसको राइट और लेफ्ट या अपर एंड डोर्सल जो पोजीशन होती है वो इसकी डिसाइड कर पाते हैं. इफ ए शेल वाल्व इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेंटल लोब, इट्स इनर सरफेस इज सीन विच इट शोज मार्क ऑफ इंसर्शन एंड मसल्स रनिंग ट्रांसवर्ली बिटवीन द टू वॉल्व. द इंसर्शन ऑफ द एज ऑफ द मेंटल मार्क्स ए पेलियल लाइन. एंटीरियर इट इज एन इंप्रेशन ऑफ द एंटीरियर एडेक्टर मसल्स. And posterior is a large impression of posterior adductor muscles. Close to these impression are marks of an anterior retractor muscles and a posterior retractor muscles. तो यहाँ पे हमें जो valves होती हैं, ये हमने कहा कि valves जो होते हैं close and open दोनों condition में present होते हैं. तो इनकी जो movement होती है वो basically retractor and protractor muscles के वजह से होती है. इसके अलावा यहाँ पे एडेक्टर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर एडेक्टर मसल्स एंड पोस्टीरियर एडेक्टर मसल्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स एंड स्क्वायर ऑफ पोस्टीरियर एडेक्टर मसल्स. इसके अलावा एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि आपके जो प्रोटेक्टर मसल्स होती हैं वो इंटीरियर ही होती हैं, जबकि रिट्रैक्टर मसल्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों होती हैं. एंड एडक्टर मसल्स भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों होती हैं, जबकि प्रोटेक्टर मसल्स जो होती हैं ये सिंगल होती हैं. एडक्टर मसल्स क्लोज द वाल्व टाइटली बट पुलिंग दैम टूगेदर द रिट्रैक्टर पुल्स इन द फुट.
तो एडक्टर मसल्स क्या करती हैं, वॉल्स को क्लोज करने का काम करती हैं, और रिट्रैक्टर मसल्स जो होती हैं ये फुट की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एडक्टर मसल्स एंड प्रोटेक्टर एडक्टर मसल्स जो होती हैं ये वाल्स की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रिट्रैक्टर एंड प्रोटेक्टर मसल्स जो होती हैं ये फुट की मूवमेंट से रिलेटेड होता है। रिट्रैक्टर मसल्स जो होती हैं ये फुट को पुल करने का काम करती हैं, जबकि प्रोटेक्टर मसल्स जो होती हैं ये पुश करने का काम करती हैं। प्रिमिटिवली टू एडक्टर मसल्स आर इक्वल इन साइज, बट इन मैनी फैमिली एंटीरियर एडक्टर मसल्स बिकम रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडक्टर मसल्स जो होती हैं ये एंटीरियर साइड में जो है ये नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ प्रोटेक्टर मसल्स जो हैं ये दोनों प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ऑल द मसल्स कैसी होती हैं, सभी तरह की मसल्स अनस्ट्राइप्ड होती हैं, ग्रेजुअली शिफ्ट विद द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड द फेंट लाइन्स मे बी ट्रेस टू द अम्बो। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ शेल, तो जो भी हमारे मॉलस्क एनिमल होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ शेल। ये हमने पाइला में भी देखा था, पाइला में भी स्टडी किया था, ये यूनियो में भी प्रेजेंट होता है। और जो स्ट्रक्चर होती है शेल की वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटर लेयर जो होती है शेल की उसे हम पेरियोस्ट्रोमिक लेयर, देन प्रिज्मेटिक लेयर एंड लास्ट लेयर जो होती है इसे हम नेक्रियस लेयर कहते हैं। नेक्रियस लेयर मदर ऑफ पर्ल भी कही जाती है। लेयर इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटिव लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्कुलिन की बनी हुई होती है। तो पेरियोस्ट्रोमिक लेयर जो होती है ये कॉन्कुलिन की बनी हुई होती है, जबकि प्रिज्मेटिक लेयर जो होती है ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं, लेकिन आपके जो मदर ऑफ पर्ल होती है ये अल्टरनेटिव लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्कोलिन दोनों के मिलके बनती है। हिंज लिगामेंट इज मेड अप ऑफ अनकैल्सिफाइड कॉन्कोलिन। द नेक्रियस लेयर इज थिकेस्ट एट द अम्बो एंड थिनेस्ट एट द शेल मार्जिन। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बटन्स। द फॉर्मेशन ऑफ शेल बाय द पेरियोस्ट्रोमिक इज लेड बाउंड द आउटर लोब ऑफ द मेंटल, वेल द प्रिज्मेटिक एंड नेक्रियस लेयर सिक्रेटेड बाय द एंटायर सर्फेस ऑफ द मेंटल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रिज्मेटिक पेरियोस्ट्रोमिक लेयर होती है जो सबसे बाहर की तरफ होती है, आउटर लोब जो होता है मेंटल का उसके थ्रू बनती है, जबकि जो प्रिज्मेटिक लेयर एंड नेक्रियस लेयर होती है वो एंटायर सरफेस ऑफ मेंटल की बनी होती है। थ्रू द नेक्रियस लेयर इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द थिकेंड लोअर एज ऑफ द मेंटल। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियो बॉडी, बॉडी इज इलोंगेटेड बट लिटरली कंप्रेस्ड होती है। हेड इज लॉस्ट इन द अपर हाफ ऑफ ए विसरल मास विच पासेज इन टू ए मिड वेंट्रल वेज शेप्ड लिटरली कंप्रेस्ड फुट डायरेक्टेड इंटीरियरली। दिस इज एन अडेप्टेशन फॉर द बरोइंग। तो चूंकि ये मेराइन एनिमल्स होते हैं, बरोइंग एनिमल्स होते हैं, तो बरोइंग के लिए जो इनमें बॉडी होती है वो इसी तरह से अडेप्टेड होती है। बॉडी इलोंगेटेड होती है, लिटरली कंप्रेस्ड होती है, हेड नहीं होता है इनमें, और वेज शेप्ड होती है स्ट्रक्चर, लिटरली कंप्रेस्ड होती है। द फुट हैज़ अ लार्जर साइनस विच गेट फिल्ड विद द ब्लड व्हेन द फुट इज एक्सटेंडेड बाय द ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर एक्शन ऑफ द पेयर ऑफ द पिडल प्रोटेक्टर मसल्स। द प्रोटेक्टर एक्सटेंड ट्रांसवर्सली फ्रॉम ईच साइड ऑफ द फुट ऑफ द अपोजिट शेल वॉल्व। द फुट बिकम स्वॉलन एंड टर्गिड, इट इज देन यूज फॉर द प्लफिंग थ्रू द मड इन बरोइंग। विदड्रॉल ऑफ द फुट इज इफेक्टेड बाय द पेयर ऑफ इंटीरियर एंड ए पेयर ऑफ पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स। तो ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि फुट की जो मूवमेंट होती है वो रिट्रैक्टर एंड प्रोटेक्टर मसल्स की वजह से होती है। ईच साइड बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेंटल लोब। लोब स्पेस बिटवीन द मेंटल लोब इज मेंटल कैविटी इन टू विच हैंज टीनिडियम ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टीनिडिया या गिल्स जो होते हैं ये बॉडी के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पहला में हमने देखा था कि सिर्फ राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं इन द ब्रिंकियल कैविटी। मेंटल कैविटी इज लार्ज एंड एक्सटेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। इट प्रोटेक्ट द टीनिडिया एंड प्रिवेंट दे आर क्लॉगिंग विद स्लिट एंड इट ऑल्सो अलाउ ए करंट ऑफ वाटर टू पास इन एंड आउट। तो यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें हम एक्सक्रेंट साइफन और इनहेलेंट साइफन को देख पा रहे हैं। आगे इसके इंटीरियर रीजन में, पोस्टीरियर रीजन में एनस प्रेजेंट है। इसके अलावा फुट, मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है जिसकी मूवमेंट के लिए प्रोटेक्टर मसल्स और रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं। देन एडक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड में। और इसके अलावा यहाँ पे आप बाकी सारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उन्हें हम देख सकते हैं। मेंटल लाइनिंग ऑफ द इनर सरफेस ऑफ शेल वॉल इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेंटल और पेलियल विच इज मेड अप ऑफ टू लोब कंटिन्यूसली डॉर्सल।
यहाँ पे आप देखेंगे कि मेंटल जो है ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट होता है शेल वॉल्व के फॉर्म में, और इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ लाइक स्किन. मेंटल जो है स्किन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसी से शेल का फॉर्मेशन होता है. तो इट इंक्लोजेस सॉफ्ट पार्ट सो ऑल्सो हैंग डाउन लाइक अ स्कर्ट. इंक्लोज बाय द मेंटल इज अ मेंटल कैविटी विच एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑन ईच साइड. तो आप ये समझ सकते हैं कि मेंटल एक स्किन की तरह की एक कवरिंग है जो कि सभी विसरल ऑर्गन को कवर करती है. तो जो कैविटी फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी. इसके चारों तरफ जो वॉल प्रेजेंट है वो मेंटल वॉल कहला रही है, और ये मेंटल वॉल बहुत ही सॉफ्ट होती है, डेलिकेटेड होती है. इसके चारों तरफ जो शेल प्रेजेंट होता है वो मेंटल कैविटी के सिक्रेशन से ही होता है, मेंटल वॉल के सिक्रेशन से होता है. द बेस ऑफ द टीनिडिया मार्क द पार्टीशन बिटवीन द टू दीज चैम्बर्स. तो प्रेजेंस ऑफ गिल्स, गिल्स जो होते हैं वो इन चैम्बर्स के बीच में पार्टीशन की तरह वर्क करते हैं. मेंटल एनक्लोजेज द बॉडी इन द अपर हाफ एंड अ मस्कुलर फुट ऑन द मिड वेंट्रल साइड. द लोअर बॉर्डर ऑफ द एज ऑफ ईच mental lobe is thickened and contained muscles. Outer fold secrete the shell. Inner surface of the outer fold lays down the periostomic, while its outer surface secrete the prismatic and nacreous layer. तो ये हमने देखा कि outer part जो होता है वो shell की outer layer, periostomic layer को करता है, जबकि inner wall जो होती है prismatic and nacreous layer को secrete करती है. मेंटल सिक्रेट पर्ल, ये हमें पता है कि यूनियो जो होते हैं इसमें पर्ल का सिंथेसिस होता है, और नेक्रेस लेयर जो होती है पर्ल का सिंथेसिस करती है. एंड सिंथेसिस ऑफ पर्ल इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. किसी भी तरह के कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर इनकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है तो मेंटल वॉल शेल की जो नेक्रेस लेयर होती है वो मेंटल और शेल के बीच में जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसके चारों तरफ एक कंसेंट्रिक लेयर में कॉन्केलिन और कैल्शियम कार्बोनेट लेयर की एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, और इससे पर्ल का फॉर्मेशन होता है. तो पर्ल फॉर्मेशन एक्चुअली एक प्रोफेशन है, एक्चुअली एक एक तरह का अर्निंग सोर्स भी है. तो इसमें इंटेंशली इसमें फॉरेन पार्टिकल्स को इंसर्ट कराया जाता है और पर्ल का फॉर्मेशन किया जाता है. हिस्टोलॉजिकली मेंटल हैज़ आउटर एपिथेलियम ऑफ वन लेयर ऑफ द सेल इन कॉन्टैक्ट विद द शेल एंड इट हैज़ द ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स इन साइड. दिस इज अ कनेक्टेड टिश्यू विद ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स एंड फाइबर्स, यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड एंड नेक्रियस ग्लैंड विच सिक्रेट द नेक्रेस लेयर ऑफ द शेल. ऑन द इनर मोस्ट साइड इट इज अ सिंगल सेल लेयर थिक सीलिएटेड एपिथेलियम. लास्टली हम देखेंगे इसमें सीलोम ऑफ द यूनियो एंड लोकोमोशन ऑफ यूनियो. सीलोम जो होती है वो शाइजोसील टाइप की होती है. शाइजोसील जो होती है उसमें क्या होता है कि ये स्प्लिटिंग से बनती है. जो भी मेसोडर्मल सेल्स होती हैं उनकी स्प्लिटिंग से अगर सेल्स का सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसे शाइजोसील टाइप की सीलोम कहते हैं. इसमें मसल्स जो होती हैं उसमें स्प्लिटिंग होती है. ओरिजिनली देयर आर थ्री कैविटी आर इंटर कम्युनिकेटेड बाय देयर, बट देयर हैज बीन प्रोग्रेसिवली सेपरेशन सो दैट ओनली द कैविटी ऑफ किडनी एंड पेरिकार्डियम कम्युनिकेट. द कैविटी ऑफ द गोनाड हैव सेपरेटेड कम्प्लीटली. हाउ एवर द जनरल बॉडी कैविटी इज द हीमोफील फील्ड द हीमोलिम्फ. इसमें हीमोसील कैविटी होती है जिसमें कि हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है. लोकोमोशन ऑफ यूनियो, द मस्कुलर फुट इज द चीफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल. वेन द यूनियो वॉक फुट इज थ्रस्ट फॉरवर्ड बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द शेल एंड बरो लाइक प्लफ शेयर थ्रू द मड. दिस परमिट ब्लड टू फ्लो आउट इन टू द मैनी टिश्यूज ऑफ द फुट कॉजिंग इट टू स्वेल एंड दस फॉर्म एन एंकर. तो यहाँ पे फुट की जो मूवमेंट होती है वो मेन लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. फुट की मोशन जो होती है वो मस्कुलर होती है. रिट्रैक्टर एंड प्रोटेक्टर मसल्स जो होती हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती हैं और ये फुट की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स एंड लोकोमोशन एंड सीलोम, जिसमें हमने की यूनियो के बहुत सारे जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में देखा. दो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स किस तरह से अटैच रहते हैं, पर्ल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, शेल में कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा रिट्रैक्टर मसल्स, प्रोटेक्टर मसल्स किस तरह से इसकी लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये सभी हमने इसमें डिटेल में स्टडी किया. बाकी के वीडियो लेक्चर्स में हम इसके ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू.